ते कुरान पर अमल जन्नत का तू सामा बना। अल्लाहु सल्ला अला मुहम्मद की आखिर कलामिना या औसत कलामिना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट आयमा सफदर की है कुरान हिफ्स मुकम्मल की, आमीन। और हम सब हैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा जो है हम सब इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब भी देख रहे होंगे, आप सब इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दारे अरकम स्कूल का जो कुरान हिफ्स की आमीन है, आप इसमें मुकम्मल देखेंगे कि हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जो चमक मेरे आका की जबी में थी, कहां चांद में है कोई इतर तो लाओ मेरे आका के पसीने जैसा। इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ आका पे दरूद, आता है लुत्फ मुझे शहद के पीने जैसा। छोटा सा एक कुरान का जुमला है लेकिन ये हमारे दीन का निचोड़ है। उस्ताद को उठा के सीधा करके रख दिया और आपने एक थप्पड़ लगा दिया, गलत काम किया, गलत तो काम नहीं किया ना। अगर मैं तुम्हें ये नहीं पता उस्ताद का दर्द क्या है, आगे होकर उसके पाँव में जूता पहनाओ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जिनको हम कहते हैं कि हम हनफी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, और जिनका इस मिल्लत पे बड़ा एहसान है, ठीक है, तो उसको उनको आप देखिए एक रमजानुल मुबारक में 63 कुरान मुकम्मल करते थे। उनकी अपनी बात नहीं होती थी, मुशावरत
ये जो फिका एनफी है ना, उनके नीचे एक पूरा बोर्ड था, जब तक वो बोर्ड पूरा नहीं होता था एक सवाल आता था, जैसे जवाब आया इधर से जवाब आया, सर ने जवाब दिया, उसके बाद मुस्तफिक जिस चीज पे होते थे वो बात करते थे, वो कहते थे अगर मेरी बात अल्लाह नबी की बात से टकराती है उसको पकड़ो मुझे नहीं। हाफिज़े कुरान बना अहले खाना की शिफात के लिए सावा बना, अहले खाना की शिफात के लिए सावा बना, हाफिज़े कुरान बना उल आलिमे कुरान बना, आलिमे लिए आसान बना, दी पे चलना ऐ खुदा इसके लिए आसान बना, इसको रोजाना तिलावत की भी तू तौफीक दे, कारिये कुरान बना और आमिले कुरान बना, आलिमे कुरान बना और खादिमे कुरान बना, इसको मौला तो गुनाहों से बचाना हर घड़ी, इसको बाइखलाक बाकिरदार ने किन्सान बना, इसको बाइखलाक बाकिरदार ने इंसान बना, इसको माँ और बाप का भी ताबे फरमा बना, करके कुरान पर अमल जन्नत का तू सामा बना। اللهم صل على محمد في آخر كلامنا في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بعده يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله تكمل القرآن المجيد کے موقع پر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا جتنی خیر بنیں گے نبی مکرم نور مجسم سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اے اللہ ہم سب کو اہل گھرانہ کو تمام خیر و بھلائی نصیب فرمائے جن شرور فتن بیماریوں سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی اہل گھرانہ کی حفاظت فرمائے اے اللہ اس بچے کے پڑھنے کو سننے کو سنانے کو اے اللہ قبول فرمائے انسان ہونے کے ناطے سے اللہ جو اس میں کمی ہوئی کوتاہی ہوئی اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے معاف فرمائے اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اعمال کا نور نصیب فرمائے اے اللہ قرآن مجید کو پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اے اللہ کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والا لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا یہ پاک ملک اے اللہ اس میں لا الہ الا اللہ والا نظام نصیب فرمائے दुआ के बाद अब हम सब खाएंगे खाना और खाने में है बिरयानी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और साथ में मिठाई भी है। ये देखें तो आयमा की मम्मा ने मुझे गिफ्ट भी दिया है, ये बहुत ही प्यारा सूट है, ये अभी आप देखेंगे मुकम्मल, और मिठाई का डिब्बा भी है, मिठाई भी हम सबको पसंद है और कोल्ड ड्रिंक तो सब ही पसंद करते हैं और बच्चों को तो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे भी बिरयानी खा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। चलिए अब हम खोलते हैं मिठाई का डिब्बा और आप भी देखें कि इसमें क्या है, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चलें जी मिठाई का डिब्बा खोलते हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छी मिठाई है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चे भी मिठाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत खुशी से खाते हैं, तो मिठाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों को अगर मिठाई पसंद है तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये सब सरप्राइज़ गिफ्ट, इसको भी खोलते हैं, इसमें क्या है अभी देखते हैं और आप लोग भी ज़रूर देखें इसमें क्या है। 1 2 3
3000 पीस हैं जो कि आयमा की मम्मा की तरफ से मुझे मिले हैं। सो थैंक यू सो मच मिस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा किया। और ये है आयमा की तरफ से कपड़े जो उसकी मम्मा ने मेरे लिए स्पेशल ख़रीदे हैं, और ये बहुत ही प्यारे हैं। इनका कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारा है, और जो इसका कपड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच मिस आयमा की मम्मा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने इतना ज़्यादा मेरे लिए किया। और आयमा को भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और खुशियाँ दे, और आगे जाके कुरान पाक जो है उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फरमाए। और ये सूट बहुत ही प्यारा है, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो मुझे गिफ्ट मिले हैं आप सबको कैसे लगे, और आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब मेरे व्लॉग को देखते हैं और पसंद करते हैं, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, मैंने आपके साथ ये शेयर करना चाहिए कि हम दारे अरकम स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी कुरान हिफ्स मुकम्मल की आमीन कैसे करवाते हैं। और आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो, और आप सब अगर मेरे चैनल के साथ नए हैं न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मैं दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।